व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग इसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में से दूर हो जाएगी। यहाँ पर ये बोला गया कि अगर आप लोग अच्छी हेल्थ चाहते हैं, और रियलिटी है ये, यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर जरूर देखेगा, तो आप लोग कुछ शब्द अपने आप से बोलने छोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि आप लोग अपने आप से नॉर्मली बोलते रहते हैं, यार मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, ये ना मेरी ना तोंद निकली हुई है, या फिर यार मैं ना नाटा हूं थोड़ा सा। तो इस तरीके कई बार शब्द आप लोग यूज करते हैं, किसी काम को कर रहे हैं यार पता नहीं एनर्जी नहीं है शरीर के अंदर, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, या फिर आप लोग बोलेंगे कि यार पता नहीं यार एक अच्छा स्वास्थ्य करना बहुत टफ काम होता है, मेरे से ना वेट घटेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारे शब्द जो आप लोग यूज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बताते रहते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा भैया, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसे शब्द आप लोग यूज कर अपने आप को एक ऐसे कैटेगरी में डाल देते हैं कि आपका खुद का माइंड आप लोगों को सपोर्ट करना बंद कर देता है। पर लेकिन अगर आप लोग को इसके अपोजिट में चीजें बोलनी स्टार्ट कर दें, अगर आप लोग अपने माइंड को आप लोग बोले कि आई लव माई बॉडी, ठीक है, इसी के साथ में कि यार कुछ भी हो जाए कितना भी काम कर लूं मैं ना पूरे दिन एनर्जी से भर रहता हूं, इसी के साथ में अगर आप लोग बोले बॉडी तो इतनी स्ट्रांग है जितना मेरा माइंड, समझ मत बस कुछ भी आ जाए सामने छोड़ूंगा नहीं, ये शब्द आप लोगों को बोलने में ही एनर्जी दे रहे हैं। सोचिए एक मिनट में बोल रहा हूं ना, एनर्जी आ रही है अंदर से। तो अगर ये चीजें फील कर आप लोग करेंगे, इस तरीके से चीजें करना स्टार्ट कर देंगे कि आप लोग को लगता है कोई काम आप लोगों का रुक पाएगा, ये वाली कैटेगरी से इस वाली कैटेगरी में आना है। तो कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो तैयार है इस वाली कैटेगरी में आने के लिए, अगर आप लोग तैयार है तो नीचे यस लिखिए और तभी आप लोग यहां पर ये काम कर पाएंगे। और जो काम करते हैं ना उसे फील करना स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा, फिर देखिए जिंदगी जीने में कितना मजा आता है, और हर टाइम आप लोग अपने आप को मोटिवेशन में भी रख पाएंगे। और देखिए मोटिवेशन की बात यहाँ पर एक ये भी है, हमारे परिवार के कई सारे मेंबर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी रैंक ला रहे हैं, पास तो बहुत सारे होते हैं, मेल बहुत सारे आते हैं, पर लेकिन रैंक भी कई सारी अच्छी अच्छी आ रही है आज के डेट में। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर कल ही एक मैसेज आया, यहाँ पर हमारे परिवार के मेंबर के द्वारा एक यहाँ पर सेकंड रैंक लाया गया स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर टीचर का ये सिलेक्शन टेस्ट था, तो अंकुर राठौर की सेकंड रैंक यहाँ पर आई है, समझ रहे हैं आप लोग, सेकंड रैंक लाना राज्य के अंदर, तो कॉन्ग्रेट्स। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से मोटिवेशन ले सकते हैं। इसी के साथ में ऑल इंडिया लेवल पर ये है यहाँ पर इंडियन स्टेटिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2019, इनमें यहाँ पर इनकी भावना जी की ये आप लोग देखते हैं पांचवी रैंक थी ऑल इंडिया लेवल पर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर आप लोग कंटिन्यूअस मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपका भी आएगा ही आएगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो जो चीज़ आप लोग बोलते हैं ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, उसको छोड़कर इसका अपोजिट बोलना स्टार्ट कर दिया, यार इन्होंने कर लिया तो मैं भी करके दिखाऊंगा, फिर देखिए आप लोग कितनी जल्दी सारे काम को कंप्लीट कर पाते हैं। और इतनी अच्छी अच्छी रैंक परिवार से आ रही है, तो आप लोग कम से कम इतना तो फोकस करके चली सकते हैं कि हम लोगों को चीजें अच्छे से करनी है, तो ये जरूर फोकस कीजिए और अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को लीड करके चलिए। और एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, और यही मेरा हमेशा से एक मोटिव भी है यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने का, कभी भी किस भी आप लोग डिपार्टमेंट में जाए, बस एक इतनी सी लाज रख लीजिएगा, कहीं पर जाकर आप लोग करप्शन ना करें, चाहे पूरा डिपार्टमेंट ही क्यों भ्रष्ट ना हो, आप लोगों को वहां पर ऐसे रहना है जैसे कि उन्हें कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो वो बस आप लोगों को बन के दिखाना है, यही मेरा पर्पज है यहाँ पर। वरना इस जो मुहिम ये चली हुई है, मैं भी जाकर किसी कोचिंग में जाकर दुनिया भर के पैसे कमा सकता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो इसका बेसिक पर्पज, बेसिक थीम यही है मेरी कि कम से कम कुछ चीजें, कुछ चेंज छोटा सा एक अपनी कंट्री में हम लोग ला सकें, पर लेकिन आप लोगों के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, और जहां पर भी आप लोग जाएं वहां पर जरा सी भी आप लोगों की नीयत में कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए, बस यही मेरी यही मेरे लिए आप लोगों की जो बोलते हैं ना कि सर कि एक तरीके से आप लोगों की गुरु दक्षिणा क्या है, तो यही मेरी एक गुरु दक्षिणा है, आप लोग सिलेक्शन लाइए और जहां पर भी जाएं वहां पर एक ईमानदार इंसान की तरीके से रहिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज जो आप लोग यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये सुंदरवन वेटलैंड जाकर मैप में निहारेगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक आर्टिकल देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है। बहुत शानदार तरीके से आर्टिकल लिखा गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, तो डिटेल में हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे, तो अच्छा आर्टिकल है यहाँ पर। ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कैमल इन द टेंट, ये यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग वे में बजट को, जो हमारी कंट्री में अभी सोचा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को एंट्री की जाए, तो उसी के चलते यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के ऊपर आर्टिकल लिखा गया, तो अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल के ऊपर भी थोड़ा सा नजर डालेंगे, ब्रेक्जिट हो गया है, जो ब्रिटेन है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया, पर लेकिन ऐसा नहीं है कंप्लीट हो गया है, ये एक प्रोसीजर चलेगा, कैसे चलेगा इसको हम लोग देखेंगे। अभी आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा है, तो उसी के ऊपर यहां पर नजर डाला गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, तो हल्का सा एक नजर इसके ऊपर भी डालेंगे। नॉन वायलेंस हमारी कंट्री में निकलकर कहां से आता है, मेनली जो हमारी कंट्री में मॉडर्न इंडिया की अगर आप लोग बात करें, तो गांधी जी के द्वारा यहां पर नींव रखी गई इसकी।
तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे आखिर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या सिचुएशन है। तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में है, और ये जो डेटा है यहाँ पर ये इस आर्टिकल से रिलेटेड है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात की जा रही है। तो इसको यहाँ पर इसके साथ में मर्ज कर डिस्कस करूंगा। साइड में जो छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर हमारे कंट्री में जो राज्य है बिहार उसके बारे में बोला जा रहा है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का जो फोकस है वो गुड गवर्नेंस से हटकर आज के में इलेक्शन इंजीनियरिंग पर लग गया है, यानी कि एक तरीके से इलेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस है, गुड गवर्नेंस यानी कि जनता के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। जो बिहार से हमारी फैमिली मेंबर है वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ क्या ये बात सही बोली जा रही है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पर क्या नीतीश कुमार जी सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो यहां पर सब अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने के लिए लगे हुए हैं, सब ने अपने अपने हथकंडे अपनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसी के बारे में आर्टिकल है जो कि इंपोर्टेंट नहीं है। इलेक्शन में वोट जरूर डालिएगा, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज का आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल यहां पर डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं कैमल इन टेंट। आप लोगों ने शायद एक कहानी सुनी होगी। कहानी यहां पर यह रहती है, एक ऊंट रहता है और यहां पर एक ऊंट वाला रहता है। उसमें क्या रहता है कि यहां पर ये रेगिस्तान की कहानी है बेसिकली। एक ऊंट और ऊंट वाला जा रहे होते हैं, तो वहां पर रेगिस्तान में से गुजर रहे होते हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा जो उनको टाइम लग जाता है तो थक जाते हैं, तो क्या करते हैं टेंट लगाकर सो जाते हैं। मालिक जो है वो टेंट में सो जाता है और जो ऊंट है वो बाहर सो जाता है। पर लेकिन जो ऊंट है वो ये बोलता है यार मालिक अंदर मजे में सो रहा है, मैं यहां पर बाहर सो रहा हूं। तो टेंट में घुसता है, अपनी गर्दन डालता है और गर्दन डाल के बोलता है यहां पर मालिक को कि मालिक थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो, मैं अपनी गर्दन अंदर डाल लेता हूं, पूरा शरीर तो नहीं आ पाएगा पर लेकिन गर्दन को तो थोड़ी गर्मी मिल जाए। मालिक कहता है ठीक है ऐसा कर लो। तो फिर क्या होता है थोड़ा सा और आगे घुस जाता है, फिर बोलता है कि मालिक दो आगे के पैर जो है वो मैं अंदर डाल लूं क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और गर्मी मिल जाएगी तो मुझे थोड़ी नींद आराम से आ जाएगी, बाहर बहुत सर्दी है। वो बोलता है ठीक है भैया। तो फिर ऐसे ऐसे कर क्या करता है ये खुद पूरा अंदर घुस जाता है और मालिक को बाहर निकालकर फेंक देता है। तो एक तरीके से यहां पर जो आज की डेट में हेल्थ सेक्टर में जो प्राइवेट एंट्री को आप लोग अलाउ कर रहे हैं उसके साथ में इसको कंपेयर किया गया कि एक टाइम ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट जो है वो बाहर खड़ी हुई नजर आएगी और प्राइवेट सेक्टर पूरा जो टेंट है यानी कि पूरा हेल्थ सेक्टर कैप्चर कर लेगा और वो काम किसके लिए करेगा, अपने लालच के लिए यानी कि अपने प्रॉफिट के लिए। तो वो उन्हीं प्रॉफिट के लिए काम करेगा और पूरा दुनियादारी आप लोगों को साइड में धरी हुई मिलेगी। तो यही बात यहां पर बेसिकली बोली गई है कि एक तरीके से यहां पर आज की डेट में अगर आप लोग देखकर चलते हैं जिस तरीके से सेंटर जो है वो यहां पर बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को एंट्री कर देते हैं, तो ये वाली एंट्री बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है आने वाले टाइम में। तो इसी के बारे में यहां पर ये क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बोला जा रहा है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करना अलाउ करेगी तो देखिए ये वही बात हो जाएगी जैसे कि कैमल इन टेंट वाली, यानी कि आने वाले टाइम में जो यहां पर गरीब तबका है सोसाइटी का उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है और सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करेगा और जिनके पास है पैसा है वो चीजों को एंजॉय करेंगे, सर्विस बस अच्छी उन्हीं को मिलेगी जिनके पास है पैसा है, यानी कि वही बात आ जाएगी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें टैलेंट है वो राजा बनना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कई सारे बच्चों के जब सिलेक्शन होते हैं जब वो मेल करते हैं तो वहां पर बड़ा अच्छा लगता है, उनकी घर की परिवार की कंडीशन कई बार ऐसी नहीं रहती है कि वो कहीं अच्छी सिटी में जाकर पढ़ाई कर सके या फिर वो एक पैसा कुछ अच्छा खासा पैसा लगाकर चीजों को अफोर्ड कर सके, पर लेकिन ये चीजें अगर उनको फायदा पहुंचा रही है और सिलेक्शन हो रहा है तो आप लोग सोचिए एक ऐसा इंसान कितना अच्छा चेंज ला सकता है सोसाइटी में। पर लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट की मंशा है आज के में प्रॉफिट ओरिएंटेड चीजें रख रही है तो वो एक गलत तरीका है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर फेसबुक पर जो पेज है वहां पर जाकर लिख सकते हैं, दोनों के लिंक जो है कमेंट बॉक्स का क्या लिंक, कमेंट बॉक्स तो खाली है नीचे जाकर लिखिए, मतलब फेसबुक वाला लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां पर जो आप लोग जाएंगे ना वीडियो के नीचे वही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। अभी क्या किया जा रहा है सेंटर के द्वारा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं खासकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनको यह बोला जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करेंगे, यानी कि सेंटर जो है वहां पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। और एक तरीके से यहां पर यह बोला जा रहा है कि जाहिर तौर पर काम इसलिए किया जा रहा है कि जो शॉर्टेज है डॉक्टरों की, यानी कि हमारी कंट्री में जो डॉक्टर की संख्या है वो काफी कम है एज कंपेयर टू जो पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन के बेस पर जो संख्या होनी चाहिए डॉक्टर की वो हमारी कंट्री में नहीं है। अगर आप लोग देखें यहां पर तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हो, WHO के द्वारा एक रेशियो रखा गया है जो कि आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि एक डॉक्टर पर एक डॉक्टर कम से कम 1000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर मिनिमम होना चाहिए, यानी कि अगर एरिया में 1000 लोग रहते हैं तो वहां पर एक डॉक्टर मिनिमम होना चाहिए। और ये जो नंबर है हमारी कंट्री में अब पता नहीं जैसे तैसे इन्होंने तामझाम लगाकर अभी अचीव कर लिया है 2018 में इन्होंने ये अचीव किसकी हेल्प से किया है, आयुष,
आयुष क्या है यहाँ पर, ये आयुर्वेदा जो फंडा है यहाँ पर, ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, तो उसके भी डॉक्टर यहाँ पर इनके द्वारा इंक्लूड कर लिए गए हैं और बोला है कि इंडिया के द्वारा ये जो लाइन है ये अचीव कर ली गई है। पर लेकिन अगर आयुष के डॉक्टर को काउंट ना करें तो फिर हम लोग काफी पीछे हैं और उसी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो डॉक्टरों की कमी है उसी के ऊपर फोकस देने की बात यहाँ पर की जा रही है कंट्री में। तो बोला जा रहा है प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर काम करेगा, पर लेकिन राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं ये कैमल इन टेंट वाली बात हो जाएगी, अगर ऊंट टेंट में आएगा तो फिर वो जो है यहां पर उसको बाहर उखाड़कर फेंक देगा। हमारी कंट्री में अभी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया जो कि निर्मला सीतारमन जी हैं, उनके द्वारा भी यहां पर बोला गया कि राज्य के अंदर अब यहां पर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री लाई जाएगी, वो भी वायबल गैप फंडिंग के द्वारा। वायबल गैप फंडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि कुछ पैसा हम देंगे और कुछ पैसा आप दो, दोनों मिलकर काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए यहां पर 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, और यहां पर जो जो प्राइवेट वाले हैं वो बोले कि 70 करोड़ तो हमारे पास में, 30 करोड़ का आप लोग जुगाड़ कर दो, तो इस तरीके से जो शॉर्टफॉल रहता है वो यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, इवन लैंड वगैरह भी यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये इस तरीके से काम कर रहे हैं कि प्राइवेट को अच्छे से एंट्री यहां पर दी जाए। और फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में जो प्रपोजल है ये तैयार किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग, ये वही नीति आयोग है जो कि हमारी कंट्री में 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर यहां पर ये पिक्चर में आया था। तो किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को। यूपीएससी में प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। अगर आप लोग आगे बात करते हैं यहां पर, तो सेंटर और स्टेट की अगर बात करें तो नॉर्मली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस तरीके से आप लोग यहां पर जो अगर लेकर चलेंगे कि किस तरीके से, यानी कि यहां पर ये बोला जा रहा है कि सेंटर और स्टेट मिलकर भी अगर काम करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, ये अपने जो यहां पर ये बोला ना कि प्राइवेट सेक्टर को एंट्री करेंगे तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहां पर आर्ग्यूमेंट दे रही है गवर्नमेंट कि सेंटर और स्टेट मिलकर भी अगर काम करें तो हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में इतना फाइनेंस नहीं है, तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना काफी ज्यादा जरूरी है। यानी कि प्राइवेट को लाना काफी ज्यादा जरूरी है और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तभी सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये यहां पर इनके द्वारा बोला जा रहा है। अब राइटर क्या बोलते हैं इसके बदले में, राइटर यहां पर ये बोलते हैं कि नीति आयोग ने जो यहां पर प्लान बनाकर तैयार किया उसमें सफिशिएंट यहां पर रोल प्ले नहीं बताया गया कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं वो अपना क्या रोल प्ले करने वाले हैं। जबकि अगर ग्राउंड लेवल पर आप लोग जाओगे यहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप लोग पहले सोल्यूशन निकालना, अगर आप लोग मान लीजिए कोई बीमार हो रहा है उससे पहले उनको कंबल दे दीजिए, उससे पहले उनको दवाई दे दीजिए, सर्दियां न लगे उनको, मौसम चेंज हो रहा है, उनका हेल्थ अच्छी रखे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रिवेंशन पर ज्यादा फोकस देना चाहिए क्योंकि अगर आप लोग फोकस करेंगे प्राइवेट सेक्टर पर तो ये एक तरीका डेंट हो जाएगा। आप लोगों ने सुना कि नई गाड़ी लेकर आते हैं कि डेंट लग गया यार इसके ऊपर, तो ठीक है निशान पड़ गया, तो एक तरीके से ये काटने वाला निशान हो गया, यानी कि हेल्थ सेक्टर को बर्बाद करने वाली बात होगी यहां पर अगर इस तरीके से आप लोग बात करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है एक तरीके से अगर आप लोग बोला जाए कि हमारी कंट्री में अगर ढंग की आप लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा और प्रॉफिट के लिए काम करने वाला इंसान वो ज्यादातर हमेशा लालच में ही रहेगा कि कहां से पैसा ज्यादा कमाया जाए, वो ये नहीं देखेगा सामने कैसा इंसान है। तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। और क्या कर रहे हैं, ये छोड़ भी यहां पर प्राइवेट के ऊपर ही रहे हैं कि आप ही कलेक्ट करो अपनी डिमांड के हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट चार्ज है यहां पर पेशेंट से, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक क्रिएशन हो जाएगी। तमिलनाडु के अंदर अगर हम लोग आज की डेट में जाते हैं तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर काफी अच्छे से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। तो तमिलनाडु में यहां पर काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला इसका कि यार ये तो गलत बात हो रही है, हमारी कंट्री में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो तमिलनाडु में अच्छी खासी सर्विस ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके चलते वहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला कि यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं करना है, चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट के बारे में बात की जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में नहीं, जनता के बारे में नहीं की जाएगी बात यहां पर। तो अगर क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल सर्विस आप लोगों को यहां पर हमारी कंट्री में लेकर आनी है तो गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा यहां पर। अगर गवर्नमेंट नहीं काम करेगी तो यहां पर ढंग से काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहां पर एक्सेस होना चाहिए लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ सर्विस ताकि वो यहां पर अपनी हेल्थ तो कम से कम ठीक रख सके। अगर कल को कोई बीमारी होती है, अगर पैसा नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा, तो मतलब इंसान को मरने देगा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये तो वही बात हो गई कि लास्ट को उठाकर हॉस्पिटल से तब लेकर जाओगे जब पूरा पेमेंट कर दोगे, तो वो वाली बात हो गई यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर ये डिजास्टर होगा एक तरीके से हमारी कंट्री में, इससे बड़ी बुरी बात कोई बोल नहीं सकते आप। और जो वायबल गैप फंडिंग वाला जो फंडा है यहां पर कि कुछ पैसा आप दो कुछ पैसा हम दे देंगे यहां पर, इससे अच्छा यह है कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा अपना बजट यहां पर बढ़ाए क्योंकि 2% से भी कम हम लोग यहां पर खर्च कर रहे हैं अपनी हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, जबकि कई सारी कंट्री 8-8% 10-10% खर्च कर रही है अपनी हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। तो उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए, एक तो फ्री होनी चाहिए यहां पर और दूसरा क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करानी है आप लोगों को। तो ये फंडा आप लोगों को यहां पर लेकर चलना है तभी चीजें यहां पर ढंग से हो पाएंगी, वरना बहुत बुरी कंडीशन यहां पर बन जाएगी। खासकर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोग प्राइवेट पार्टी को अलाउ करते हैं
में आने के लिए। तो ये वही बात होगी जैसे कैमल इन टेंट, यानी कि एक टाइम पर ऐसा होगा कि वो मालिक को उतार कर बाहर फेंक देंगे और अंदर खुद बैठ जाएंगे और फिर अपने हिसाब से काम करेंगे, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे बस, और फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो यहां पर गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए, खासकर जो गरीब तबका है सोसाइटी का मैक्सिमम, उसके हेल्प करने के लिए, तो उन्हीं के पास में होना चाहिए। तो ये था पूरा क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर अच्छे से आप लोग लिखिएगा, और ऐसा कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर 250 शब्द अगर लिखे हैं तो 250 ही लिखना है। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर 100 शब्द आते हैं, 150 शब्द आते हैं, तो आप लोग वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और यूपीएससी में भी 150 शब्द के करीब आता है। तो आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, भले ही कितने शब्द क्यों ना हो उसमें, शब्द की अभी काउंट मत कीजिए, पहले आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। जब एग्जाम का आप लोगों के पास में 1.5 महीना रह जाएगा मेंस का, उस टाइम पर आप लोग अपने जो शब्द है उसको काउंट करना स्टार्ट कर देना। अभी अच्छे से बस लिखने की प्रैक्टिस आप लोग रखिए, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात की जा रही है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है यहाँ पर जो गर्ल्स कैटेगरी में है, यहाँ पर ये सोफिया कैनिन के द्वारा जीता गया फर्स्ट पर्सनल, ये यहाँ पर अभी इनका फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये फर्स्ट ओपन है इनका, तो यहाँ पर काफी अच्छा आप लोग इसको बोल सकते हैं। और अगर मेन की कैटेगरी में आप लोग बात करेंगे, मेल की कैटेगरी में, तो यहाँ पर जो जीत कर आए हैं ये है नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो याद रखिएगा, टॉप पर सबसे ऊपर जो आज के में फेडरर है उनके पास में 20 ग्रैंड स्लैम है, दूसरे नंबर पर जाएंगे तो राफेल नडाल है, इनके पास में 19 है यहाँ पर, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है इंक खत्म हो गई, खत्म हो गई है। चौथे नंबर पर है 17, तो 17, 19, 20, तो यहां पर यह है अभी आज का, अगर आप लोग देखते हैं यहां पर। और इसी के साथ में डेटा पॉइंट भी यहां पर यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोग सबसे पहले आप लोगों से अगर कोई पूछा जाए कितने तरीके के ओपन होते हैं यहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, तो टोटल मिलाकर 4 होते हैं। अगर 2000 से लेकर 2019 तक का आप लोग यहां पर इनको काउंट करते हैं, तो यह बता रखा है यहां पर कौन कौन कहां कहां पर कितना कितना जीतकर आया है यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने राफेल नडाल यहां पर दिखा रखे हैं कि कितने कितने जीते हैं। सबसे ज्यादा जो राफेल नडाल के हैं ये यहां पर हार्ड कोर्ट होता है, तो इसलिए यहां पर ये बोला जाता है कि ये काफी एक तरीके से, यानी कि ये इसके बाद सा माने जाते हैं इस वाले कोर्ट के, जो फ्रेंच जो ओपन जहां पर होता है, तो ये यहां पर इसके फ्रेंच ओपन के जो बादशाह माने जाते हैं, ये इनका नाम याद रखेगा राफेल नडाल है यहां पर, ये ठीक है। बाकी यहां पर ये आप लोग जानते हैं इनके रोजर फेडरर हो गए, और नीचे हो गए यहां पर ये नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग मोटा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं। और अगर अपनी कंट्री की कोई पर्सनैलिटी यहां पर जीतती है तो उसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िए, या फिर वो याद रखना है जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। एसएससी बैंकिंग वगैरह में तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यूपीएससी में अगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, सीडीएस हो गया, एनडी हो गया, तो इनमें कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, तो हल्का सा आइडियाज को लेकर चल सकते हैं, ओके। प्रीलिम्स में कई बार मैच करने के लिए भी आप लोगों से आ सकता है, इसके बारे में आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है यहां पर, ये बात करें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। आप लोगों को पता है आज के में हमारी कंट्री में 28 राज्य हैं और इसी के साथ में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो यूनियन टेरिटरी जो शब्द मैंने यूज किया, इसका मतलब है यूनियन की टेरिटरी, यानी कि ये है सेंटर के कंट्रोल में डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया। यहां पर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग राज्य के बारे में बात करेंगे। तो जो टोटल 8 राज्य हो गए, तो बीच में सेंटर को रख दीजिए और ऐसे आप लोग बोले, सॉरी 28 राज्य हो गए, तो इस तरीके से आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। यानी कि हमारी कंट्री में जो तरीके से जो आप लोग जो साइकिल का आप लोगों ने टायर देखा होगा, उसमें जो ताड़िया होती हैं, ठीक है ना, तो बीच में क्या हो गया यहां पर, ये बीच में सेंटर हो गया और चारों तरफ से यहां पर ये जुड़ी हुई हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हिंदी में बोलते हैं संघवाद का ढांचा। तो संघवाद का ढांचा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सारे राज्य ढंग से सेंटर के साथ में मिलकर काम करें। अगर सेंटर सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो देखिए संघवाद का ढांचा यहां पर नहीं होगा। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि स्टेट और यूनियन जो है अगर एक तरीके से मिलकर काम करेंगे तो सही तरीका है यहां पर, अगर एक तरीके से, पर लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट यहां पर हो रहा है और सेंटर सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहां पर नहीं है। कैसे इसको समझाते हैं, इसको कैसे समझते हैं, यहां पर आप लोग देखिए। अभी हमारी कंट्री में 28 जनवरी को लगभग 11 राज्य ऐसे हैं, 28 जनवरी और 28 राज्य, ठीक है। तो 28 में से 11 राज्य ऐसे हैं जो हमारी कंट्री में, जिनके द्वारा जो एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो एनआरसी जो है यहां पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, यानी कि सिटीजन का रजिस्टर है, इसमें सिटीजन ही आएंगे, ठीक है। और अगर एनपीआर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहां पर यह नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में सिटीजन भी आते हैं और नॉन सिटीजन भी आते हैं। तो फिर कैसे इसको काउंट करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, जब हमारी कंट्री में या तो कोई पिछले 6 महीने से रह रहा है या फिर आगे आने वाले 6 महीने तक रहने वाला है तो वो हमारी कंट्री में एनपीआर में आ जाएगा, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो पॉपुलेशन और सिटीजन में डिफरेंस है। सिटीजन में हमारे राइट होते हैं, हमको हक मिलते हैं, पर पॉपुलेशन में भी कुछ हक मिलते हैं, पर लेकिन ऐसे नहीं जैसे सिटीजन में। तो सिटीजन के लिए यहां पर
अच्छे से हमारी कंट्री में काफी कुछ है, हर एक कंट्री में सिटीजन को कुछ फायदा होता है, जैसे वोट आप लोग डाल सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी वोट डाल देगा, तो ये आप कंट्री के सिटीजन है, इसलिए आप लोगों के पास में हक है कि आप लोग वोट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो यहां पर ये अगर बात करेंगे एक तरीके से अगर एनपीआर यहां पर हो जाता है, जिसको नेशनल पॉपुलेशन आप लोग रजिस्टर बोल रहे हैं, तो एनआरसी उसका एक पार्ट होगा, यानी कि एनआरसी उसके अंदर छोटा सा एक सबसेट होगा उसका एनपीआर का। तो ये पहले तो ये माइंड आप लोगों के माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए। अभी हमारी कंट्री में एनआरसी का जो प्रोसीजर है ये इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया है, जबकि एक तरीके से देखा जाए तो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास किया गया और पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। तो नॉर्मली तर्क तो ये दिया जाता है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर देती है तो उसको इंप्लीमेंट करना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक तरीके से ड्यूटी है जो राज्य की, यानी कि ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बोल सकते हैं राज्य की, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो डिनाई करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन माना जाएगा। पर लेकिन इनके द्वारा यहां पर जो बात बोली जा रही है, इनके द्वारा यहां पर एक तरीके से जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसका जो रजिस्टर जो तैयार उनके द्वारा किया जा रहा था, जो कि एक तरीके से बेस माना जा रहा था एनआरसी का, तो उसको यहां पर कंप्लीट करने से मना कर दिया, उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया सारे वर्क करने से, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में, एक तरीके से जो डिवाइड होती हुई सोसाइटी नजर आ रही है उसको रोकने के लिए यहां पर ये ये काम कर रहे हैं। और ये जो काम किया गया सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल और केरला के द्वारा किया गया है। सबसे पहले जो रिजोल्यूशन पास किया गया था कि यहां पर ये गलत काम कर रहे हैं कि एनसीआर लेकर आ रहे हैं, तो इसके चलते सबसे पहले जो बात की गई थी ये केरला के द्वारा की गई थी। फिर आगे चल चलकर 11 राज्य ऐसे हैं जो यहां पर पिक्चर में आ चुके हैं। पंजाब असेंबली के द्वारा भी यहां पर रिजोल्यूशन पास करने की अभी रिजोल्यूशन पास करने की बात की जा रही है यहां पर। तो एक तरीके से यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो पंजाब रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है रिजोल्यूशन, तो इस तरीके से यहां पर हमारी कंट्री में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरीके हरकतें सेंटर के द्वारा की जा रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास में सफिशियंट ग्राउंड है कंसर्न का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि राज्य जो होता है उसी के साथ में जनता ज्यादा कनेक्ट रहती है, क्योंकि राज्य के अंदर ही जनता रहती है। आप लोग पता होगा ना कि आप लोग कौन से राज्य से आते हैं, तो इसीलिए यहां पर एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे अच्छा काम कहते हैं जो सिटीजन के लिए पास वाला काम सबसे अच्छा किया जाता है वो राज्य गवर्नमेंट के लिए द्वारा किया जाता है, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये सारे स्टेट लिस्ट के अंदर चीजें आती हैं, यानी कि एक तरीके से जो हमारे संविधान में सातवें शेड्यूल में जो लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्केंट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है, तो सारी बेसिक जो चीजें प्रोवाइड करानी है ढंग से वो स्टेट के अंडर में आती है। तो स्टेट जनता के बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि इस तरीके से यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्लिगेशन का नाम लेकर ये काम किया जा रहा है ये सही तरीका यहां पर नहीं है। पर फिर भी एक यहां पर फंडा समझाने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 355 यहां पर ये बोलता है कि देखिए एक तरीके से स्टेट जो है उसको यहां पर जो संविधान के हिसाब से काम करना है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है संविधान के हिसाब से काम करना है। और संविधान क्या बोलता है, संविधान ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है तो फिर वहां पर आप लोगों को काम करना है, उसको एक तरीके से डिसएग्री आप लोगों को नहीं होना है। तो रिस्टोर करना है गवर्नेंस को तो डिक्लेयर किया जा सकता है आप लोग यहां पर प्रेसिडेंट रूल जो सेंटर यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके चलते ये आर्टिकल 356 ये यहां पर यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहां पर फॉलो नहीं कर रहे हैं सेंटर की जो गाइडलाइन है तो यहां पर 356 आर्टिकल लगाया जा सकता है। पर लेकिन यहां पर राइटर जो है वो जस्टिस के अपोजिट बोल रहे हैं, अगर राज्य जो है वो संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यहां पर 356 आप लोग लगाकर क्या कर सकते हैं, आप लोग यहां से हटा सकते हैं, जो एक तरीके से जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको रोक सकते हैं। पर लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए ना हमारे संविधान में कि अगर यहां पर सेंटर कुछ गलत कर रहा है और जो राज्य है वो मिलकर अगर मेजोरिटी में चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पोज कर सके कि आप लोग को ये नहीं कर रहे हैं, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए ना। तो इक्विवेलेंट पावर राज्य के हाथ में नहीं है, राज्य के हाथ में भी इक्विवेलेंट पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे राज्य डिसकंसर्न दिखा रहे हैं तो कम से कम इतने राज्य वहां पर होने चाहिए कि सेंटर को भी रोका जा सके, ताकि सेंटर जो है वो कल को डिक्टेटर न बन जाए। ठीक है, सेंटर जो है कल को इंदिरा गांधी वाला काम ना हो जाए यहां पर, जो 75 से लेके 77 तक हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये बातें यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वो तो सही है, पर लेकिन इसका अपोजिट भी सोचकर आप लोगों को चलना पड़ेगा। और इसी के चलते भीमराव अंबेडकर जी की एक बात यहां पर बोली गई, इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग कुछ लिख रहे हैं तो इसका यूज कर सकते हैं कई बार आंसर राइटिंग वगैरह में। इनके द्वारा बोला गया था वही बात जो मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि संविधान सही गलत नहीं होता है, अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोगों की जो मंशा होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितना भी गलत संविधान क्यों ना हो, अगर इंप्लीमेंट करने वालों की मंशा अच्छी है तो कुछ ना कुछ अच्छा उसमें ढूंढ लेंगे, और कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना हो, जैसे हमारा एक बेस्ट संविधान माना जाता है, पर लेकिन इंप्लीमेंट करने वालों की अगर मंशा अच्छी नहीं है तो फिर वो सही नहीं रहेगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में बोला गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य से मिलकर हमारी कंट्री में टोटल हमारी कंट्री मिली है, सब एक जगह इकट्ठे हैं तो हमारी कंट्री यहां पर है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिसइंटीग्रेट होकर हम लोग अलग हो सकते हैं, तो डिस्ट्रक्टेबल यूनियन नहीं है हमारी कंट्री में। हां, हम लोग बाहर की कंट्री को अपनी कंट्री में मिला सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को उदाहरण देता हूं कल को हमारा मन अगर कर गया कि हम लोग को चाइना को अपनी कंट्री का एक पार्ट बनाना है, हमारा राज्य बन जाएगा एक, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा एक राज्य चाइना भी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर उसको इंक्लूड तो कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग कल को अपना
नॉर्थ ईस्ट में से कोई राज्य तोड़कर बाहर कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, हमारा संविधान ये चीज अलाउ नहीं करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलकर सब लोग काम करेंगे तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यहाँ पर सेंटर जो है कंसर्न समझे राज्य के कि राज्य को क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमारी कंट्री में काफी शानदार केस है इससे रिलेटेड जिसको SR बुमई का केस कहते हैं, SR बुमई केस। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर SR बुमई केस किस डेट का है, यानी किस ईयर का है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, कई सारे केसेस के नाम दे देते हैं और फिर आप लोगों को बोल देंगे कि यहाँ किस किस ईयर में है, या फिर ये पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करता है SR बुमई केस। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 356 है जो सेंटर आनन फानन में आकर उसको कई बार यूज कर लेता है, तो उस टाइम पर यहाँ पर बोला गया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ये एक तरीके से एक शब्द यूज किया गया यहाँ पर कि आप लोग इसको एक तरीके से अपेंडिसेस के तरीके से लेके चलते हैं। मतलब क्या इसका, इसका मतलब यहाँ पर यह कि जिस तरीके से आप लोग बोले कि बस ये स्टेट कुछ नहीं है, मेन है सेंटर और बस ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि राज्य कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है आपका, राज्य में भी पूरी एक गवर्नमेंट होती है, वहां पर भी जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे होते हैं, वहां पर भी पूरा एक सिस्टम होता है। तो इस तरीके से आप लोग उसको एक एक्स्ट्रा पार्ट लेकर नहीं चल सकते, उसको भी उसका हक मिलना चाहिए, उसको भी उसकी पावर मिलनी चाहिए। तो ये SR बुमई का केस खुद सुप्रीम कोर्ट का बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर NPR को यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है, जिस तरीके से वाइड लार्ज स्केल पर डिसेंट यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है, लोग सहमत नहीं इसकी वजह से, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्सक्लूसिव पावर है राज्य के हाथ में भी कि जनता अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है तो वो ऐसे स्टेप उठा सकते हैं, वो नहीं करे इसको इंप्लीमेंट। तो ऐसा होना चाहिए यहां पर, ऐसा एक सही भी एक तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आप लोग माने। और इसी के चलते दो उदाहरण भी यहां पर दिए गए हैं। अगर आप लोग USA में जाएंगे और वहां पर अगर किसी एरिया में जाकर किसी को यहां पर एक तरीके से किसी इमिग्रेंट अगर वहां पर आ रहा है तो इमिग्रेशन पॉलिसी लानी है कि इस राज्य में ये लोग रहेंगे, तो यहां पर राज्य से पूछा जाता है, उसी के साथ में सिटीज जो हैं उनके हाथ में भी पावर दे रखी है कि हाँ आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो ओनरशिप जैसे गन के बारे में बात करें तो ये राज्य के हाथ में पावर रहती है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में आप लोग जाएंगे, वहां पर भी अगर कोई इमिग्रेंट की पॉलिसी आनी है यहां पर सेटल करना है तो यहां पर इनके हाथ में भी पावर रहती है, जो उसके पर्टिकुलर प्रोविंस है, प्रोविंस का मतलब राज्य, ठीक है। तो वहां पर प्रोविंस बोला जाता है, जैसे हमारी कंट्री में राज्य बोलते हैं। तो ये एक अच्छा खासा उदाहरण है जिससे इंडिया सीख सकता है कि अपनी कंट्री में भी, हमारे कंट्री में जो राज्य हैं उनके बारे में भी सोचकर चले, अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो क्यों उनके ऊपर इस तरीके से चीजों को थोपा जा रहा है। वो एक अलग बात है कि संविधान के आप लोग दलील दे रहे हैं कि यहां पर संविधान में ये लिखा गया वो लिखा गया, पर लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और हाँ, कार्टून आज का रह गया यहाँ पर, कार्टून जो है यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है। अभी दिल्ली के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है, असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर, और जो खासकर शाहीन बाग वाला फंडा है वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, यानी कि जो कमल है जो कि बीजेपी का जो सिंबल है यहाँ पर उसको एक एज ए बुलेट के तरीके से दिखा दिया, जैसे गोली नहीं होती है तो कमल को गोली बना दिया गया। तो यहाँ पर कार्टून वाले ना बड़ी शानदार तरीके की चीजें समझाते हैं। शाहीन बाग प्रोटेस्ट क्या है, हमारी कंट्री में काफी लंबे समय से दिसंबर के महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, और मेनली जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है हमारी कंट्री में जो मुस्लिम महिला है उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है दिल्ली के शाहीन बाग वाले रीजन में। तो काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको अब इलेक्शन का मुद्दा बनाकर भी यहां पर अलग तरीके से एक तरीके से यूज किया जा रहा है। आप लोगों को पता है पॉलिटिशियन चाहे कोई भी हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, हर एक आदमी लुभाने की कोशिश करता है वोटर को। अब एक ये वोटरी वोटिंग का मुद्दा भी यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये ब्रेग्जिट के बारे में बात करता है। एक आप लोग पहले यहां पर एक यहां पर इसको मैप में आप लोग निहारिए तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो कहां की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये यहां पर क्या है, ये है यहां पर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यहां की बात की जा रही है और ये हो गया पूरा एक तरीके से, ये आप लोग यूरोप वाला पार्ट बोल सकते हैं। तो इसमें से ये बाहर निकल रहा है। अब ये बाहर निकलने के लिए इसने क्या किया, इसने एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम होता है जनता से डायरेक्ट पूछना कि भैया आप लोग क्या चाहते हैं, जनता से डायरेक्ट वोट मांग लेना। आप लोग बोले कि हमारी कंट्री में तो पूछ लेना चाहिए कि NRC इंप्लीमेंट करना है या फिर नहीं करना है। तो देखिए हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीजें जो पॉसिबल हो पाती है छोटी सी कंट्री में पॉसिबल हो पाती है। जैसे ऐसा है कि एक मोहल्ले में लोगों से पूछ रहे भैया चाहते हो कि यहां पर स्कूल बन जाए, चाहते हो कि यहां पर एक तरीके से नल वगैरह लगा दी जाए, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो जो ब्रेग्जिट है यहां पर, ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, बाहर निकलना। तो दो सबसे बना हुआ है यहां पर, ब्रिटेन एग्जिट। तो यूरोपियन यूनियन से अगर बाहर निकलेगा तो यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर थे यहां पर, अब ये बाहर निकल जा रहा है तो 27 मेंबर यहां पर रह जाएंगे। ये जो रेफरेंडम हुआ था 2016 में, हुआ था जून के महीने में, तो उस टाइम पर यहां पर 51.9% लोगों ने कहा था कि हम लोग को बाहर निकलना है, 48% लोगों ने कहा था कि हम लोग को यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है। यानी कि अगर यहां से कुछ लोग इधर आ जाते तो यहां पर ये हो सकता था कि ये रुक जाता, पर लेकिन
फिर जहां पर जिस तरीके से कंडीशन बनी, अब एट द एंड ऑफ द डे 31 जनवरी 2020 था उसमें इनका एग्जिट हो गया है। तो इनका एग्जिट हो गया तो उसी के बारे में यहां पर आर्टिकल लिखा गया है। तो जो ब्रेग्जिट यहां पर हो गया है तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 मेंबर का यहां पर रह गया है, ठीक है। तो जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं यहां पर ये आर्टिकल लिख रहे हैं, तो काफी अच्छे से इमोशनल होकर ये बातें कर रहे हैं। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जनवरी 31 जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लेफ्ट कर दिया गया यूरोपियन यूनियन को। तो हमने अपने परिवार का एक मेंबर खो दिया, यानी कि ये यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, इनके द्वारा बोला एक परिवार का एक मेंबर खो दिया। पर बहुत सारे जो यहां पर मेंबर खोला गया तो इससे कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं, तो दोनों ही तरीका माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए यहां पर 52% लोग खुश हैं, पर लेकिन इसके अपोजिट वाला भी तो सही है ना, जो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे कि लगभग कितने 48% दुखी भी है, क्योंकि ये छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। क्योंकि यहां पर ऐसा फंडा है, अगर आप लोग एक बार यहां पर एंट्री कर लेते हैं तो यहां पर कई सारे बाउंड्री जो है वो खत्म हो जाती हैं। आप लोग अगर घूमने भी जाएंगे यूरोप में, एक बार एंट्री आप लोग कर जाते हैं तो फिर आप लोग ऐसा होगा जैसे कि आप लोग नहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में बस में बैठ के चले जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग जाते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सारी कंट्री आप लोग घूमकर आसानी से आ सकते हैं। तो यहां पर वो सारी चीजें, ब्रिटेन जो है वो यहां पर अलग हो रहा है, तो इसके चलते ये बोला जा रहा है कि चलिए सही भी है, क्योंकि जो सोवरन डिसीजन है इनका, जो लोगों से पूछा गया, लोगों ने 52% लोगों ने बोला बाहर निकलना है। तो एक नया चैप्टर अब यहां पर रिलेशन में स्टार्ट होगा, अब दोनों के बीच में एक नया कनेक्शन यहां पर होता हुआ नजर आएगा। तो यूके और जो यूरोपियन यूनियन है वो यहां पर अब आज की डेट में ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा निकल गए तो एकदम इसको छोड़ देंगे। अब ये पूरा यहां पर 2020 के एंड तक पूरा प्रोसीजर चलेगा, पूरे ऐसा है कि आराम आराम से ये निकलेंगे यहां पर कि भैया ये ऐसा करना है वैसा करना है, कि इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे होंगे, ये एग्रीमेंट ऐसे होंगे। तो अभी ये कंटिन्यूअसली एक सिंगल मार्केट की तरीके से काम करेंगे, सारे जो लॉज हैं यूरोपियन यूनियन के वो इनके ऊपर लगेंगे। हालांकि ये मेंबर नहीं है, मेंबर ही हो चुके हैं, पर लेकिन आराम आराम से यहां पर इनका एक तरीके से बंटवारा होगा, ठीक है। ऐसे नहीं जैसे परिवार बढ़ जाते हैं कि भैया हां बर्तन बट गया, भैया ये खेत बट गया, अब ये घर बट गया, ये सारे जानवर वगैरह बट गए, तो वही जैसे परिवार में बंटवारा होता है, तो एक तरीके से वो बहुत टफ होता है और बहुत दुखदेह होता है। क्योंकि दो भाई जब बट रहे होते हैं तो उस टाइम पर समझिए वही भाई हैं जो स्टार्टिंग से एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो असली बात तो ये कहती है कि मिलजुल कर रह जाए, उससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। पहले कितने अच्छा होता था, ज्वाइंट फैमिली रहती थी, बाबा परदादा पता नहीं कौन कौन, ताता वो ताऊ और पता नहीं कौन कौन, मतलब पूरा परिवार मिलकर रहता था। और आज की डेट में क्या है, आज की डेट में अगर दो इंसान भी है घर में तो उनको भी ढंग से एक तरीके से नहीं रह पा रहे, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है कंट्री में, जो कि एक तरीके से गलत बहुत ज्यादा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आप लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो आप लोग डीमोटिवेट काफी कम होंगे, फ्रस्ट्रेट काफी कम होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला खड़ा हुआ है। जब न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है तो सारा बर्डन एक इंसान के ऊपर आ जाता है। यह भी बहुत बड़ा रीजन माना जाता है हमारी कंट्री की सोसाइटी में। पहले डिप्रेशन जैसी एंजाइटी ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, आज के डेट में हमारी कंट्री में डिप्रेशन नाम की भी एक बीमारी चल रही है। तो एक बहुत बड़ा रीजन इसका माना जा रहा है जो न्यूक्लियर फैमिली होती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये भी एक बात आप लोग याद रखेगा, कोशिश करें कि अगर परिवार के साथ में जब तक मिलकर रह सकते हैं तब तक मिलकर रहिए, ठीक है। देखिए बाद में तो जो होगा वो होता रहेगा, पर लेकिन अपने आप से कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे परिवार से अलग होना पड़ जाए। क्योंकि परिवार एक ऐसी यूनिट है जहां पर आप लोगों को सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है, सब चीजें मिलेगी, सारा परिवार रहेगा अच्छे से मिलजुल कर रहेगा, तो वो तभी हो पाएगा जब चीजें अच्छे से चल पाएंगी। कितने ऐसे लोग हैं जो ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जे लिखें, ठीक है। और जो यहां पर जो एक तरीके सिंगल फैमिली में रहना चाहते हैं वो ऐसे लिखें, इससे पता चल जाएगा आप लोग हमारी कंट्री की सोसाइटी कैसी है और क्या करना चाहती है। तो इस तरीके से यहां पर बोला जाए तो अलग निकलेंगे तो यहां पर ये सारी चीजें बटना स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली अभी इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है यूरोपियन यूनियन के उसके साथ में रहेंगे जब तक यहां पर सारी चीजें सेटल डाउन नहीं हो जाती है। थोड़ा सा ये और समझ लीजिए आप लोग, यहां पर तीन शब्द होते हैं इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके। तो यहां पर तीनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। जब यहां पर शब्द यूज किया जाता है ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन का मतलब होता है यहां पर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। जब यहां पर यूनाइटेड किंगडम वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पार्ट भी इसके अंदर आया गया है। तो आयरलैंड दो पार्ट में है यहां पर, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जब मिलकर यहां पर बात करते हैं तो ये पूरा यूके बन जाता है, और बाकी इंग्लैंड तो यहां पर एक पोर्शन ही है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सारे को ब्रिटिश इसलिस यानी कि ब्रिटिश आयरलैंड इसको बोला जाता है सारे को अगर आप लोग मिला देंगे तो इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके में डिफरेंस होना चाहिए, पता आप लोगों को, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आज का देख लेते हैं आप लोगों के सामने, जो यहां पर यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा रिफॉर्मेटिव स्टेप लिए गए हैं ताकि जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको आप लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तरीके से बांटते नहीं है, जैसे 2 रुपए किलो के हिसाब से बांट दिया गेहूं अनाज, तो मोर इफेक्टिव बनाया जाए, यानी कि जनता तक खाना पहुंचाना मोर इफेक्टिव बनाया जा सके। यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आंसर कहां लिखना है, वो आप लोग जानते हैं, तो आंसर जरूर लिखेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा जितना आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके।
आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताया नॉन वायलेंस की बात की जा रही है। नॉन वायलेंस जो यहां पर हमारी कंट्री में ये कहीं ना कहीं निकल कर आता है, महात्मा गांधी जी से निकल कर आता है, क्योंकि पहले तो इनके द्वारा अफ्रीका में जाकर, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इनके द्वारा कई सारे प्रोटेस्ट किए गए, उसके बाद में फिर ये इंडिया में आए। तो इस तरीके से जो इनके द्वारा काम किया गया वो एक नींव माना जाता है कि नॉन वायलेंस की नींव इनके द्वारा रखी गई है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखें हमारा संविधान भी इसी पैटर्न पर काम करता हुआ नजर आता है, पर लेकिन जिस तरीके से आजकल में सिचुएशन हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी, इन सबको लेकर कई तरीके से फायरिंग की जा रही है, बंदूक लेकर गोली मार दी जा रही है, अपनी ही कंट्री के लोगों के ऊपर, अपने ही भाई बहनों के ऊपर गोली चलाई जा रही है आज के दिन में, तो ये कहीं ना कहीं गांधी जी का इंडिया आप लोग इसको नहीं बोल सकते, ये कोई नया ही इंडिया देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में और कई महान पर्सनैलिटी के नाम लिया गया, गुरु नानक देव जी, महावीर जो एक तरीके से, इसी के साथ में गौतम बुद्ध जी, तो इनके सबके नाम यहाँ पर, महावीर जी, इतने सारे नाम यहाँ पर लिए गए हैं एक तरीके से, अंबेडकर जी, टैगोर जी, तो सबके नाम यहाँ पर लिए गए हैं इस तरीके से कि हमारी कंट्री जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहां पर कभी भी वायलेंस वाला फंडा रहा ही नहीं है, नॉन वायलेंस से हम लोगों ने पूरा काम किया है, और नॉन वायलेंस के चलते चलते पूरे अंग्रेज यहां से भगा दिए गए हमारे द्वारा। हालांकि वो एक अलग बात है कि बाद में जब बंटवारा हुआ उसमें वायलेंस हो गया, पर लेकिन अगर नींव आप लोग देखोगे तो हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री नहीं है जैसे यहां पर सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो हम लोग एक गलत डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। आज जो आप लोगों का यहां पर मेन बेस क्वेश्चन था ये था वूलर लेक, जाकर ये वूलर लेक था, ये था यहां पर कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है, ये 1990s में इसको यहां पर रामसर साइट कन्वेंशन का दर्जा दिया गया था। यहां पर एग्जैक्ट आप लोग इसकी लोकेशन यहां पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा फ्रेश, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये अगर बात करेंगे एशिया के अंदर में, और झेलम रिवर के द्वारा इसको फीड किया जाता है, राइस कल्टिवेशन और भी कई सारी चीजें यहां पर आप लोगों को आसपास में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। अब यहां पर यह है क्विज जिसका आंसर आप लोगों को देना है, और इसी के साथ में जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का होगा वो कोशिश करूंगा कि लगभग 9 बजे से पहले पहले आप लोगों को मिल जाए, और हां इसी के साथ में एक पॉलिटिकल लेक्चर भी आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। 11 बजे तक पॉलिटिकल लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा जो कि सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है, सेकंड चैप्टर होगा जो कि आप लोगों का ऑलरेडी 1 चैप्टर आ चुका है, ओके। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं सेंटर के द्वारा जो यहां पर बात की जा रही है जो यहां पर प्राइवेट को लाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम कब प्रपोज किया था, कौन से दोस्त दो ऐसे राज्य हैं जो एनपीआर को इंप्लीमेंट करने से मना कर चुके हैं, कौन सा आर्टिकल यहां पर बोलता है एक तरीके से हमारी कंट्री में कि प्रोविजन जो है यहां पर इंश्योर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना है, और खासकर जो यूनियन बोले एक तरीके से, कहां पर यहां पर बात की जाती है कि स्टेट को जो प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया जाता है तो कौन सा आर्टिकल यहां पर बोलते हैं, इसी के साथ में किसके द्वारा बोला गया कि संविधान से डिपेंड नहीं करता, लोग होते हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं, उससे पता चलता है कैसा है कंट्री में बेसिकली फंडा। इसी के साथ में कौन सा आर्टिकल यहां पर एक शब्द यूज करते हैं, मिलकर सब लोग रहते हैं यहां पर हमारी कंट्री में, तो वो आर्टिकल चलिए बता देता हूं, आर्टिकल, चलो यूनियन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में आता है आप लोग ये बताइए, ठीक है, ये सही क्वेश्चन है। कौन सा जजमेंट है जो यहां पर आया जिसके द्वारा यहां पर राज्य के पावर के बारे में बात की गई, ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर बताया गया। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कब छोड़ा गया है यहां पर यूरोपियन यूनियन को, ये बताना है, डेट आप लोगों को यहां पर इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कल जो था आप लोगों का ये क्विज था यहाँ पर फिलीपीन था इसका आंसर, यहाँ पर था नेशनल स्मॉल एंड सेविंग स्कीम, यहाँ पर था 1 मिलियन, ये था थालिनोमिक्स, और ये था 15th फाइनेंस कमीशन, और ये था 2011 का जो सेंसस था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों से पूछे गए थे, इनको मैच कर लेना, सारी पीडीएफ क्वेश्चन वाली भी, बजट वाली भी, और इसी के साथ में इकोनॉमिक सर्वे वाली प्रोवाइड करा दी गई है, जाकर उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक इसका टेलीग्राम का वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, और क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का होगा जहां पर हम लोग पीआईबी और न्यूज एनालिसिस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में फिर आप लोग पॉलिटिकल लेक्चर देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हां, लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया है, ठीक है, ताकि लेक्चर को इंप्रूव किया जा सके। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।